मैं उधर चला गया ट्रेनिंग करवाने, तो मैंने जो कपड़े थे ना वो कलरफुल पहन लिए, मेरे कपड़े कलरफुल थे। तो उनका सीईओ देख के मुझे कहता है, इस बंदे को कपड़े पहनने का चज नहीं है, ये हमारे बंदों को क्या एजुकेट करेगा, इस बंदे को कपड़े पहनने का चज नहीं है, ये हमारे बंदों को ट्रेनिंग क्या देगा। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर चला जाऊं, मुझे लगे कि अभी इसी टाइम आसमान मेरे ऊपर गिर जाए, मुझसे ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। वो कहते हैं 2-3 दिन मैं इसी गुस्से में रहा, लेकिन 2 दिन के बाद मुझे ख्याल आया, अगर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है ये सिर्फ मेरी गलती है, अगर मेरे पास अच्छी ड्रेसिंग नहीं है ये मेरी गलती है, अगर मुझे नहीं पता किस मौके पे क्या चीज पहननी है ये भी मेरी गलती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया। सर ये खाली मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें नहीं बताया कि अगर तुम फेल हो गए हो ना ये तुम्हारी गलती है। अब आज किसी मैट्रिक क्लास के बच्चे से पूछ लेना, बच्चे सैपली क्यों आई है, वो आपको कहेगा इमरान खान की वजह से। आप आज बच्चे से पूछ ले बेटे फेल क्यों हुए हो, वो आपको कहेगा हुकूमत खराब है। हमारे बच्चे को हमने रिस्पॉन्सिबल हमने बनाना है, किसी और ने नहीं बनाना आपके। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने सिर्फ हमें इल्जाम देना सिखाया। बेशक हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जो अच्छी बातें नहीं है ना, उन्होंने हमारे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। आप बताएं हमारे मुल्क में कितनी एजुकेशन है, लेकिन साइंसदान कोई नहीं।